नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने के लिए मोदी को न्योता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की उनकी यात्रा के दौरान 8 जून को अमेरिकी कांग्रेस की एक संयुक्त बैठक को संबोधित करने का न्योता दिया गया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर पॉल रियॉन ने ये जानकारी दी। रियॉन ने कहा कि अमेरिका और भारत की दोस्ती दुनिया के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थिरता का स्तंभ है। उन्होंने कहा कि यह संबोधन दुनिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाले लोकतंत्र के निर्वाचित नेता की तरफ से सुनने का विशेष अवसर होगा कि हमारे दोनों देश अपने साझा मूल्यों को बढ़ावा देने तथा समृद्धि को बढ़ाने के लिए मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। हम 8 जून को प्रधानमंत्री मोदी का यूएस कैपिटल में स्वागत करने को लेकर आशान्वित हैं। ताज के दीदार का मौका गंवाने से ओबामा निराश। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा पिछले साल अपनी भारत यात्रा के दौरान ताजमहल की यात्रा पर न जा पाने के कारण निराश थे। व्हाइट हाउस ने इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर ओबामा पिछले साल जनवरी में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेने भारत यात्रा पर आए थे। ओबामा और अमेरिका की प्रथम महिला मिशेल ओबामा की आगरा यात्रा तय थी, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला के निधन हो जाने के कारण अपनी भारत यात्रा में कटौती करके शाही परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताने के लिए वहां जाने का फैसला किया था। उज्जैन सिंहस्थ में साधु के वेश में शैतान, 86 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ मेले में बढ़ती चोरी की घटनाओं से परेशान पुलिस ने यहां एक मुहिम चलाकर 86 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें कई लोग साधु के वेश में भी मिले हैं। पुलिस ने इनसे बड़ी मात्रा में धनराशि, मोबाइल फोन और अन्य कीमती सामान बरामद किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि शिकायतों को देखते हुए पुलिस द्वारा मेला क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई गई। पुलिस ने एक श्रद्धालु की पतलून चुराते हुए साधु के वेश में एक व्यक्ति को पकड़ा। उन्होंने बताया कि पकड़े गए इस व्यक्ति से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस दल ने यहां लालपुर इलाके में छिपे मेला क्षेत्र में चोरी की वारदातों में लिप्त एक गिरोह के 86 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 20-25 महिलाएं भी शामिल हैं।